आजकल के सोशल मीडिया पे तो यही चल रहा है, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। जिधर देखो उधर टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, टिकटॉक बैन, यही तो चल रहा है। आज हम आपको ऐसे ही बताएंगे टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब फैक्ट, तो आप इसमें बहुत ही गजब फैक्ट जानने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रा से भी मिस मत करना, वीडियो पूरा देखना। ओके चलिए शुरू करते हैं टिकटॉक से। टिकटॉक के भारत में 20 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं और पूरे विश्व में 600 मिलियन एक्टिव यूजर हैं। टिकटॉक पूरे वर्ल्ड का 6 सबसे ज्यादा डाउनलोड करे जाने वाला ऐप बन गया है। हाँ आपने सही सुना, 6वां नंबर पे सबसे ज्यादा डाउनलोड किया गया ऐप है टिकटॉक। क्या आपको पता है टिकटॉक का नाम पहले म्यूजिकली था? हाँ आपने सही सुना, पहले म्यूजिकली था। अगस्त 2018 में नाम चेंज कर दिया गया, म्यूजिकली का नाम चेंज करके इसका टिकटॉक रख दिया, क्योंकि बाइटन डांस की पेरेंट कंपनी टिकटॉक ने म्यूजिकली ऐप को सफलता देखते हुए इसे $1 बिलियन में खरीद लिया था और दोनों को मर्ज करके आपस में मिलाकर एक नई ऐप टिकटॉक के नाम से लॉन्च कर दिया। और आज टिकटॉक ऐप की कीमत $75 बिलियन है, हाँ $75 बिलियन इस समय। क्या आपको पता है टिकटॉक पर डेली 13 मिलियन यानी 13 मिलियन वीडियो अपलोड होते हैं? आपने सही सुना, डेली 13 मिलियन वीडियो अपलोड होते हैं। टिकटॉक पर मंथ लगभग $1.4 मिलियन कमाता है, आपने सही सुना, हर मंथ लगभग $1.4 मिलियन कमाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, टिकटॉक पर कुछ लोग फेमस होने के लिए जोखिम भरे स्टैंड वीडियो बनाते हैं, बनाते समय अपनी जान भी गवा चुके हैं। हाँ आपने सही सुना, स्टैंड करते समय कितने लोग अपनी जान गवा चुके हैं। क्या आपको पता है टिकटॉक पर सबसे ज्यादा पॉपुलर क्रिएटर चीनी हैं, जिनके टिकटॉक पर 50.7 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। हाँ आपने सही सुना। क्या आपको पता है टिकटॉक इंडिया में एक बार बैन भी हो चुका है, हालांकि इसके बाद भी फिर से लॉन्च कर दिया गया। अब हम बात करने वाले हैं यूट्यूब की, चलिए अब शुरू करते हैं यूट्यूब फैक्ट। यूट्यूब को 2005 में चार्ड हार्ले, स्टीव जैन और जावेद करीम ने बनाया था, जो कि पेपल के सभी कर्मचारी थे। यूट्यूब का पहला वीडियो जावेद करीम का है, जो सैन डिएगो चिड़ियाघर में उसका नाम है चिड़ियाघर मी एट जू, वीडियो का नाम है मी एट द जू। इसमें बता रहे थे कि हाथी के चड्डी के बारे में, हाँ आपने सही सुना, वो हाथी के अंडरवियर के बारे में बता रहे थे। क्या आपको पता है 14 नवंबर 2006 को गूगल ने यूट्यूब को $1.65 बिलियन में खरीद लिया था और अब यूट्यूब का मालिक गूगल है, आपने सही सुना। क्या आपको पता है यूट्यूब पर मिनट 400 से भी अधिक ज्यादा वीडियो अपलोड किए जाते हैं? हाँ आपने सही सुना, हर पर मिनट पूरे वर्ल्ड में 400 से भी ज्यादा वीडियो अपलोड किए जाते हैं। क्या आपको पता है 1.5 अरब लोग यूट्यूब का प्रयोग करते हैं? हाँ आपने सही सुना, पूरे वर्ल्ड में 1.5 अरब लोग यूट्यूब का प्रयोग करते हैं। यूट्यूब से वीडियो कैसे डाउनलोड करें, यूट्यूब के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है, हाँ आपने सही सुना।
पूरे YouTube में यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है YouTube के बारे में। क्या आपको पता है YouTube पर सबसे लंबा वीडियो 571 hours 1 minute और 41 seconds लंबा है। आपने सही सुना, 571 hours 1 minute और 41 seconds लंबा। इसे देखते समय कितना लोग कहाँ तक देखोगे यार, 24 दिन का लगभग वीडियो है। अब हम बात करने वाले हैं YouTube बैन या TikTok बैन। किसी भी हाल में YouTube तो बैन होना नहीं है। TikTok की बात करें तो TikTok का भारत में बैन हो सकता है, क्योंकि हाल ही में इसका कैरी मिनाटी से लेकर कई भी उसके फैन लोगों ने उसका पूरा रेटिंग गिरा दिया है। जहां आप देख सकते हैं 1.1 का हो चुका है रेटिंग। मैं इसके ज़्यादा मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। अब इसके ऊपर आप लोग हैं कि बैन करवाना चाहेंगे कि नहीं। अगर आप चाहते हैं TikTok बैन हो तो कमेंट करिए, और बैन नहीं होना चाहता है तो लाइक करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।